कि भगवान गणेश जी का जो स्वरूप है, शिव महापुराण कह रही है जो गणेश जी का स्वरूप है वो स्वरूप किस ओर होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मानो कथा न छूटे आप। घर के दरवाजे पर अगर हम गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी का फोटो, गणेश जी का टाइल्स बाहर की ओर लगा रहे हैं तो जाते समय गणेश जी का जो पृष्ठ भाग है, पीठ है, वो पीछे चीज। एक शिव महापुराण में आपको पहले एक प्रसंग सुनाया है, सभी लोगों को ज्ञात होगा कि भगवान के सम्मुख में धर्म है और भगवान के पीछे अधर्म का निवास। महाराज, ये दुनिया के लोग जो भगवान की परिक्रमा करते हैं ना, जितने भी लोग भगवान का परिक्रमा करने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, ये लोग मंदिर में जाकर जब पीछे प्रणाम करते हैं तो कभी मौका मिले तो एक बार इनसे पूछना जरूर कि भैया आपने कोई शास्त्र, आपने कोई पुराण कभी पढ़ा है? आपने शास्त्र पुराण का स्मरण किया है? हमारा कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई वेद यह वर्णन नहीं करता कि मंदिर के पीछे हम प्रणाम करें, हम मंदिर के पीछे नमन करें। हमारा शास्त्र वेद वर्णन नहीं करता। और देखे तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु जब गणेश जी के सम्मुख में रिद्धि सिद्धि श्री तुष्टि पुष्टि शुभ लाभ सारे धन देने वाले, संपदा देने वाले जब गणेश जी के अग्रण्य रहेंगे तो पीछे बिठाने में क्या दिक्कत है? आप पर दे दो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया। ए दरिद्रता दुख, तुम्हें बर देता हूं कि तुम गणेश जी के पृष्ठ भाग में विराजमान होगे। इसलिए निवेदन है, मंदिर में नहीं, घर के अंदर, घर में जहां सबसे आगे फ्रंट में गणेश जी की टाइल्स, गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी का फोटो प्रथम भाग में बिल्कुल बाहर फ्रंट में घर के दरवाजे के नहीं लगाने। क्यों? जब जाओगे तो पृष्ठ भाग गणेश जी का तुम्हारे जाते समय पड़ेगा, जीवन में दुख तकलीफ कष्ट आते ही रहेंगे। जीवन में कभी भी आप करोगे बहुत कुछ, फैक्ट्रियां भी खोल सकते हो, दुकान भी खोल सकते हो, कार्य भी बड़ा कर सकते हो, पर सफलता नहीं मिल सकती, सफलता नहीं। और यदि आपके घर में पहले से टाइल्स लगी है, मूर्ति लगी है गणेश जी की, हटा नहीं सकते, तो निवेदन है एक फोटो गणेश जी का जब बाहर निकलो तो अपने, जब उधर फोटो लगाए तो एक फोटो बाहर जाते समय अंदर की ओर मुख करके लगा दीजिए, उससे वो दोष समाप्त हो जाता है महाराज, वो दोष समाप्त। गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति लेकर आए, और गणेश जी लाए मना नहीं है, गणेश जी जब लेकर आए तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं तो राइट सुंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ का, आपका सीधा हाथ देख लेना उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर, या गणेश जी का सीधा हस्त कमल देख लेना, आपका तो उल्टा मान्य होगा जब आप देखेंगे तो गणेश जी का जो सीधा हस्त कमल हो उस साइड अगर गणेश जी की सूंड है तो वो सूंड का गणेश घर के अंदर विराजमान हो, उल्टी सूंड का गणेश, लेफ्ट सूंड का गणेश, ये गणेश व्यापार व्यवसाय फैक्ट्री दुकान बिजनेस ऑफिस जगह पर विराजमान हो। बहुत ध्यान देना, उल्टी सूंड के गणेश बहुत कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं? इसका शास्त्रीय प्रमाण है। कभी किसी मूर्तिकार के पास जाना और मूर्तिकार के पास जाकर पूछना, भैया तुम उल्टी सूंड का गणेश क्यों नहीं बनाते? जितने भी बनते सीधी सूंड के बनते, कभी पूछना उससे, वो बताएगा कि उल्टी सूंड के अगर गणेश जी बनाए, 50 गणेश जी अगर उल्टी सूंड के बनाए हैं तो उसमें से कम 30 गणेश जी अपने आप टूट जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। शास्त्र रीति है, उल्टी सुंड का गणेश बहुत कम पक पाता है, यह मिट्टी का नारायण मिल जाए। और यदि आपने अपने हाथों से भी उल्टी सुंड का गणेश मिट्टी का बनाया तो 10 दिन पूजन करोगे, 10 दिन के अंदर वो मूर्ति, वो सुंड, वो गणेश जी चटक जाए। उल्टी सुंड का गणेश टिकता ही नहीं है, वो बीच में से खंडित हो ही जाए। वो तो स्वयं गणेश जी कृपा करें, स्वयं विनायक कृपा करें और उल्टी सुंड के गणेश जी अपने को मिल जाएं और वो गणेश जी हमारे घर में आ जाएं तो वो फिर नहीं चटे। सीधी सुंड के गणेश जी को मनाने के लिए महाराज मंत्र की
50 माला करना पड़ती है तो समझ लो सीध उल्टी सुन के गणेश जी को मनाने के लिए मात्र 5 माला में भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात उल्टी सुन का गणेश शीघ्र प्रसन्न होता है। महाराज ब्रजमंडल में जब कभी जाओ, मथुरा के पास में वृंदावन से आगे लोहवन पड़ता है। कौन सा वन है? लोहवन। वृंदावन से कुछ थोड़ी दूरी पर लोहवन है, उस लोहवन में जाना। जैसे निकुंज वन में गए, भांडेर वन में गए, आप लोग कई बार दर्शन करने गए होंगे, तो लोहवन में जाना। और लोहवन में जाकर थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपने ऊपर से 21 बार उतार कर लोहवन में भगवान शिव का स्मरण कर, यमुना का स्मरण कर, विष्णु और कृष्ण का स्मरण कर, वो तेल सामने एक मूर्ति मिलेगी जिसका शीश नहीं होगा, उस मूर्ति पर चढ़ा देना। इसका भी चरित्र शिव महापुराण में आता है महाराज, इसका भी व्याख्यान आता है उस मूर्ति का है। लोहवन ब्रजमंडल में लोहवन का व्याख्यान स्कंद पुराण में भी है। आप मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, आप दुकान खोल रहे हो, चल नहीं रही है, आपका चित्तवृत्ति, आपके जीवन में सफलता आई नहीं रही, तो कहीं मत जाइए। आपके जीवन में 25 बार अंगूठी बदल के देख लिया, कभी पुकराज पहन लेते, कभी मोती पहन लेते, कभी नीलम पहन लेते, कभी कोई महाराज ने कहा तो ये कर लिया, कभी कोई महाराज बोला तो ये कर लिया, फल नहीं मिले। कहीं मत जाओ, कुछ मत पहनो, उसकी शरण में जाओ, उसकी शरण। लोहवन पहुंच जाओ, वृंदावन से 4-5 किलोमीटर की दूरी। रिक्शे वाले से बोलो कि वो लेके जाएगा, 5 रुपए लेता है। लोहवन जाए वहां विनय करो, 10-15 मिनट बैठ लो, भजन करो, यमुना जी का स्तमन करो, शिव का नाम जाप करो, शंकर का भजन करो, और वो सरसों का तेल 21 बार स्वयं उतारो, स्वयं चढ़ा दो, आओ वापिस। उसके बाद तुम किसी कार्य को करोगे तो सफलता जल्दी मिलेगी, काम अटकेंगे नहीं, काम सफल। यमुना के घाट पर शिव आराधना का फल भी 1,000,000,000 गुना है, लाखों। बहुत ध्यान देना, स्वप्न 2 तरह का होता है। एक स्वप्न में अगर आप बहुत खिलखिलाकर हंस रहे हो तो समझ लेना दूसरे दिन तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसी खबर मिलेगी कि आंख में आंसू आएंगे। स्वप्न में आप अपने आप को अगर हंसता हुआ देख रहे हो, किसी को खिलखिलाता हंसता हुआ देख रहे हो, तो दूसरे दिन कुछ रोने की खबर मिलेगी, कुछ दुख होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगा। और अगर स्वप्न में आप भगवान को मुस्कुराता हुआ देख रहे हो, स्वप्न में आप भगवान को हंसता हुआ देख रहे हो, तो जरूर तुम्हारे ऊपर कुछ भगवान की कृपा होने वाली है, जरूर कोई अच्छी खबर आने वाली है। दोनों के हंसने में अंतर है। सांसारिक मनुष्य स्वप्न में हंसता दिखे तो दुख मिलेगा, और भगवान हंसता हुआ दिखे तो सुख मिलेगा।